अब इसमें हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से देख रहे हैं आए थे, खास करके कि दीवार वाल कहीं सुरक्षित ना हो, टूटी फूटी ना हो, या उसकी ऊंचाई हाइट कैसे क्या है, कहीं कोई सामान बाहर से न फेंका जा सके, इसलिए इसके दृष्टिगत कुछ निर्देश भी दिए गए, जिससे कुछ दीवार के ऊपर जाली लगा दिया जाए, 2 मीटर और ऊंचाई हो जाए, इससे कोई चीज़ बाहर से नहीं आ सके या इधर से उधर जा ना सके, उसमें जाली जाली में फंस सकता है। दूसरी बात, कैदियों में कोई आपस में मारपीट घटना के संबंध में भी जानकारी ली गई न हो, और कोई कैदी का आलान पलायन संबंधी बात न हो, और मोबाइल वगैरह भी देखा गया, खान पान की व्यवस्था देखी गई, साफ़ सफाई देखी गई, अस्पताल दवा ववा की स्थिति भी देखी गई, एक अध्यापक पढ़ाने के बाद भी पूछा गया, महिला बैरक में भी गए, के खाने उने का चावल दाल ये सब रोटी हड्डी का क्वालिटी भी देखी गई, अलग सागर और मेनू के अनुसार से बना है, कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए गए। मेन ये था सिक्योरिटी पर्पज़ से, जिससे कि कोई कैदी भाग न सके, पीसीसी पर लाने ले जाने में पर्याप्त सुरक्षा बरती जाए, जैसे कई जेलों में हो गया कार घटनाएँ हो गई हैं, उसके लिहाज से पर्याप्त सुरक्षा बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसे हमारे जौनपुर के जिला की रक्षी जो है जेल की, ठीक है, हाँ, कुछ बरामद भी हुआ है सर? नहीं, बरामद सामान्य।